वेलकम टू नई सुबह कहानी घर। कहानी घर नई सुबह टेल्स नरेटेड बाय निस्मा आलम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह कहानी घर में खुशामदीद। मैं हूँ निस्मा आलम और आज हम सुनेंगे कहानी लकड़हारा और परी। प्यारे दोस्तों, गांव में एक गरीब लकड़हारा रहा करता था जो बहुत ज्यादा मेहनत करके जंगल से लकड़ियां काटकर अपना गुजर बसर करता था। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसका मुकम्मल तौर पर गुजारा नहीं हो पाता था। इतनी मेहनत करता था और फिर भी उसे कभी रात का खाना नहीं मिलता था और कभी दिन का खाना नहीं मिलता था। लकड़हारा अपनी गुर्बत से बहुत तंग आ गया था और एक दिन जंगल में बैठकर सोचने लगा कि आखिरकार मेरी जिंदगी में कब वो वक्त आएगा कि मुझे बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाएगा। काश ऐसा होता कि मैं बैठे बिठाए सब कुछ हासिल कर लेता और मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मैं भूखा ही रहता हूँ। लकड़हारा सोच ही रहा था कि उसके पास एक परी आई। और परी ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो? लकड़हारे ने कहा, मैं मेहनत करते करते थक चुका हूँ, मुझे सब कुछ चाहिए वो भी बैठे बिठाए। परी ने कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी। ऐसा मुमकिन है, मैं तुम्हें एक महल में लेकर जाती हूँ, वहाँ तुम्हें रहना होगा, लेकिन तुम्हें महल से बाहर नहीं आना होगा और तुम्हारी जो ख्वाहिश होगी, जो तुम्हें चाहिए होगा, तुम्हें उस महल में बैठे बिठाए मिल जाएगा तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक। लकड़हारे ने कहा, मुझे ये बात मंजूर है। परी लकड़हारे को महल में छोड़ने के लिए गई। और लकड़हारा वहां पर खुशी खुशी रहने लग गया। वो जो चाहता उसे वो खाने को मिल जाता, उसे जो कुछ चाहिए होता उस महल में सब कुछ था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद लकड़हारे का दिल भर गया और लकड़हारा सोचने लगा कि उस मेहनत में क्या मजा था। मैं जंगल में जाता था, दरख्तों की लकड़ियां काटा करता था और जहाँ जाता था आज़ादी से घूमता था। अब तो मेरी आज़ादी ही ख़त्म हो गई है, लकड़हारा सोच ही रहा था कि परी आई। और कहने लगी, क्या तुम कुछ और चाहते हो? लकड़हारे ने कहा, हाँ, मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस जाना चाहता हूँ। परी ने उसे उस महल से आज़ाद कर दिया और लकड़हारा खुशी खुशी दोबारा से लकड़ियां काटने लग गया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, मेहनत में ही मजा है। नई सुबह कहानी घर में इतना ही। मिलते हैं एक मजेदार नई कहानी के साथ, तब तक के लिए